जमा कर दो आके, सबको भी लिख के फोटो भेज देंगे कि सफाई नहीं हुआ। लैब में सबूतों से छेड़छाड़ कर कैसे सच का गला घोट दिया जाता है, सौदा पटाते वक्त यहाँ के आला अफसर खुद ही खुलासा कर देते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रॉ दास के मुंह से सुनिए कैसे उन्होंने नोएडा के दादरी के एक मामले में मर्डर के इल्जाम में फंसे एक पुलिस वाले के लड़के को गोली बदल कर बचा लिया। हम बताएं, एक था दादरी का केस, और वो थे दिल्ली पुलिस में, उसने किसी लड़के को गोली चला दिल्ली पुलिस वाले ने। तो मेरठ में कोई वकील हो, कोई केस हो गया, तो उन्होंने हमारा नाम बता दिया, एक कांस्टेबल भेज दिया, सिपाही भेज दिया, और हमारा हम उधर हॉस्पिटल शांति मार्ग पर उधर थे, तो वहाँ आ गया ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऐसे भेजा। एक बार हमको हरिद्वार कोर्ट में जा रहे थे, ऐसे किस वजह से मैं एविडेंस वगैरह आ जाती थी उसमें जाते, वहाँ जा रहे थे हम देवर जाकर, अब हम साथ में चले गए, तो उन्होंने घर की स्थिति ऐसे देखी कि मतलब जो घर वाली हैं बच्चे बच्चे सब मतलब अपना इतनी बुरी हालत में कि कैसे उनको निकाल कर लाइए, दिल्ली पुलिस में था वो हाथ में हाँ जी 315 की राइफल थी, और केवल उसमें बुलेट को उसमें लिखा, बुलेट लिखा था तब भी जब भी था छर्रा, तो उनको मतलब चाहिए था कि छर्रा दिखा दिया जाए, राइफल थी वो राइफल में राइफल की कारतूस में होती है, अगर उस बुलेट की जगह छर्रा दिखा दिया जाए तो कोर्ट केस छूट जाए। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अशोक अरोड़ा जी, स्वागत है आपका अशोक जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं सबूतों के साथ बेझिझक खिलवाड़ जिस तरह से किया जा रहा है, कितना बड़ा गुनाह इस अपने आप में आप इसको मानते हैं? नहीं, ये तो बहुत सीरियस बात है और काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूँ कि जहाँ जिस देश में हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं और सरेआम कोई भी व्यक्ति आके अगर कोर्ट में झूठ बोलता है तो कानून के मुताबिक तो उसकी 7 साल सजा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग झूठ बोलते हैं और कोर्ट्स कोई एक्शन नहीं लेती हैं, और जब तक कोर्ट्स एक्शन लेना नहीं शुरू करेंगी ये चलता जाएगा सिलसिला। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो ऐसा आके बिल्कुल यानी कि जरूरी है आपकी नजर से सख्त कार्रवाई होना। अशोक जी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आगरा की फॉरेंसिक लैब के साइंटिस्ट ने किया मर्डर के गुनहगार को बचाने का सौदा, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने जहर के केस में किया आरोपी को फंसाने का सौदा।